अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मेरे लगे है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का। ही बच्चियों मुझे छुप के देख रही हैं, तो आप वरना एक मज़े की रिश्ता भी मेरे साथ शहीद है। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा कि हम क्या शैतानी करने लगे हैं। आज हम करेंगे मम्मा को मुसलसल इग्नोर, क्योंकि वो उनकी तो आदत है हमारी हर बात में बोल लेंगी, बट हम उन्हें करेंगे बहुत ज़्यादा से इग्नोर। अभी हम लोग अंदर चलते हैं, कुछ चीज़ें हमने लेके आनी है, तो हम उसकी साथ साथ थोड़ी सी बातें शातें करते हैं। और ना फिर मैं शहीद एमन और इब्राहिम, उनको मैंने समझा दिया था पहले हमने ये करना है, तो ना अब हम सब मिल के ये काम। गाइस अभी ना बाद में फर्स्ट इब्राहिम, और अभी हमने इब्राहिम का सुना था। इब्राहिम हमने आज एक चैलेंज कर रहे हैं, व्लॉग्स तो हम लोग देखते रहते हैं ना कि कैसे चैलेंज होता है तुम दोनों ना, तो पता है अंदर जाके करना क्या। हमने ना करना है मामा को इग्नोर, मामा कोई भी बात करेंगी ना हमने उसका जवाब नहीं देना, तुम लोग मेरे से बातें करो। इग्नोरिंग ब्रैंग हो रहा है, तो भी ना जो भी मेरे साथ बात करोगे, इनको मैंने वैसे पहले समझा दिया था एक दफ़ा, मैंने कहा व्लॉग में भी समझा दी, सही समझ जाए बच्चे ना। तो अभी ना अंदर जो काम होगा मेरे से आके बात करनी है, तुमने भी मेरे से बात करनी है, मामा कुछ भी कहेंगे ऐसा फील करो मामा कमरे में नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा हमें, जैसे मामा शादी वगैरह होगी। हाँ बस ऐसे फील करो, मामा कुछ भी बोलती है सुनना ही नहीं हो रहा, जवाब भी नहीं दे रहा। ठीक है चलो ना गाइस, अभी हम लोग कहीं जाने का सोच रहे थे बाहर, क्योंकि मुझे मोमोज खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। और ना दूसरी बात ये कि क्या शहीद भाई सो रहा, जब तक शहीद नहीं आता ना, तो फिर ना बस हम लोग इंतज़ार ही कर सकते और कार्य कर सकते। कौन से पैसे खाने वाले? अभी तो तुम्हें 100 रुपया दिया था शाम को, देंगे भाई मेरे पास ना, मैं दूं पैसे आपको तो ले लेने हैं। नहीं मेरे पास कहां से आए पैसे? 50 देख कितना डील पा रहा है, गला होता पा रहा है। कितने आए हैं? 50 रुपीज पर से लेके आओ, नंद से देती हूँ मैं। ये क्या बात हुई? तो ना गाइस अभी हम लोग ना, मुझे मेरा दिल है कि टाइम जो हो रहा है ना, मुझे ना भूख बहुत सख्त लगी हुई, मेरा दिल है मैं नूडल्स बना लूं। कितना डीट बन रहा है रबिया? से पैसे कितने दूं? ₹40-50 आएंगे ना, कितने बस ये ले लो। और ना अबे तुम जा रहे हो कुछ मेरे लिए ले आओ, बल्कि रहे तो मैं नूडल्स बनाने लगी उठ के। अमन तुम ही बना लो नूडल्स, मुझे भी बना दो, भूख लगी है। चलो आ चले, पिज्जा लाएंगे क्या बना रहे हैं? किचन में पानी रखो, डीट बच्चे हैं मेरी, बहुत रुपया गलत आ रही है तुम्हें, नहीं चूल्हा ऑन करना। चलो चलो देख के टाओ, मैं बना लेती हूँ। मैं खुद ही बना कुछ, मैं बड़ी लाइट ऑन करो यार, बड़ी लाइट। मैं इधर से जी नूडल्स निकाल दो, एक ही पैक दो है वो, इधर से देख ची उतारो नूडल्स बना के ले आओ। Okay. यार आज दुआ करने में आपकी बहन को मोमोज मिल जाए, क्योंकि मैंने भी जाना है मोमोज लेने, और शेर साहब बस सो के उठे फिर हम लोग मोमोज लेंगे। शेर का आज सुबह मैच था, मैच तो वो विन करके फिर अपने दोस्त से कार कहता मैं वहीं पे सोऊंगा, मैंने कहा चलो वहीं पे जाओ और थोड़ी देर तक मैं सोऊंगा। तो अब छूटा जुलवा है तो अभी जरा नूडल्स शूडल बना के खाओ पी के आपसे तब मिलते हैं जब शेर आएगा। पापा ने जैसे कि कल बोला था कि मुझे बहुत रुलाया गया, तो मुझे कोई ट्रीट फ्रीट दी जाए, तो शेर अब मैं और शेर जा रहे हैं पिज्जा लेने। शेर साहब का मूड इसलिए खराब है कि शेर साहब को पिज्जा नहीं खाना, शेर साहब को पता ही खाना है। शेर साहब कह रहे क्या खाना है आपने? बर्गर। कौन सा बर्गर? KFC का, चीजियस का, रेंजर्स का, किसका? KFC का कौन सा बर्गर? मिड नाइट डील हमने इसको ऑफर किया, अभी पिज्जा खा लो रात को बारह बजे तुम्हें मिड नाइट मिल जाएगी। देखो औकात से बाहर, इतने ही अमीर लोग हैं एकदम औकात से बाहर हो जाते हैं, फिर दिल करता तब हमारे इनके मुंह में बंदा। तो चले जी उठे, तो पहले चलते हैं फ्रेस्को पे, फिर ना चलेंगे हम लोग फ्रेस्को पे जाना है। तुम्हारा अभी ऑर्डर करना है? नहीं रात को 12 बजे, रात को ना करो ना पिज्जा भी, रात को 12 बजे ले। नहीं वो तो भूख लगी है मुझे बहुत ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा। तो चलो उठो फिर, ATM कार्ड किधर है? तो ATM कार्ड ये पड़ा हुआ है, शेर ATM कार्ड तो ढूंढो, उठो ये पड़ा है इधर, पड़ा टेबल पे मैंने रखा है। ATM कार्ड किधर है? टेबल पे, पता नहीं है, टेबल पे। उठो ATM कार्ड निकाल के दो मुझे, मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, इल्ली दे रही हो तुम लोग। चलो अब चले, तुम बच्चे कह रहे हो, इब्राहिम और अमन कह रहे हो, हम लोग आ रहे हैं। ठीक है उठो स्टार, मुझे ना किसी ने कल कहा कि मुझे मोमोज बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो किसी ने क्या कि चाइना मार्केट में जो मोमोज वाला स्टॉल है, 3-4 स्टॉल है, पर एक स्टॉल के मोमोज बहुत जबरदस्त है, तो मेरा दिल है कि हम लोग चाइना मार्केट चलते हैं ना, मुझे वहां से मोमोज खिला दो, पैसे मैं समझ नहीं, इन लोगों को मैं माइटी खिला रही हूँ ना साथ साथ, तो तुम मुझे मोमोज खिलाओ। ठीक है डील डन करो मेरे साथ,
ठीक हो गया, लेके जाओगे चाइना मार्केट, पैसे चलो मैं लगा लूंगी, इतनी ऑफर दे दी तो पैसे मैं लगा लूंगी चाइना मार्केट, लेके चलो। ये बहुत बगैरत है, ये भी ऐसे ही कर रहा वहां जाके, मुझे नहीं है आज बुरा होगा क्योंकि कल ऑयलिंग शॉयलिंग की ऑयलिंग से याद है मुझे, स्किन केयर और हेयर केयर वाली रूटीन वाली बाजी ने की है, तो ना उनको ना हम बताएंगे कि जी हम लोग इंशाल्लाह आपके उस पर ब्लॉग जरूर बनाएंगे। अभी हमारे कल वाले ब्लॉग और इस वाले ब्लॉग पे बहुत ज्यादा प्यार देना है, अभी हम लोग चलते हैं तो आज चले आने का और चाइना मार्केट भी जाएंगे मोमोज खाने, आज आप लोग हमारे साथ अच्छे थे। चलो इब्राहिम अहमद आओ, शहीर आज हम खाना खाएं, शहीर ने तो नहीं खाना थी, शहीर जी सब कह रहे हैं मैंने मल्टी मंगाना है, इब्राहिम अहमद हम दोनों दिनों मिल के खाएं। गाइस तो पापा की तरफ से ट्रीट थे, थैंक यू सो मच पापा जी, तो ना अभी हम लोग ना खाएंगे पिज्जा आज, इब्राहिम अहमद ऊपर से जी फ्रेस्को का हमारे घर जी पिज्जा बहुत चलते हैं, हमारे घर नहीं चलता वैसे उनको ना जो होते हैं ना हमारे घर के ना हमारे, वाह यार कितना टेस्टी पिज्जा लग रहा है ना, कि एक टाइम होता था फ्रेस्को कितनी मोटी डो होती थी, अभी भी अच्छा ये टेस्ट है इसका, बहुत मजे का है, बंदा कहता है कि खाए पर हम ना खाएंगे। शायद तुमने पिज्जा नहीं खाना, चलो आ जाओ इब्राहिम और अहमद आओ उस तरफ, तुम लोगों को काट के दूं, तो ये भूखा नदीदा बंदा भी नीचे आके बैठ के, चलो तुमने तो माइटी मंगवाया, तुमने माइटी मंगवाया उठो यहाँ से, ये इसने माइटी मंगाया है, चलो उठो इब्राहिम, इसको कहो उठे निकले यहाँ से, चलो चलो चलो। तो अब ना हम लोगों का दिल है कि मैं तो बगैर कोक की खाती हूँ, मुझे कितनी वो नहीं लगती, तो नहीं बारी नहीं है छोड़ दो, तो दे देंगे से एक पीस भूखे इंसान को दे देंगे, तो ना आपकी बहन कोक शोक नहीं पीती, ऐसे ही खाने वाली बच्ची हूँ मैं, तो मैं कहती हूँ कि खाना शुरू ना कर दे, अहमन को आने देते हैं ठीक है, अहमन का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, अहमन अहमन कोक लेने गया, ये जो दो भूखे हैं ना ये कोक बगैर नहीं खाते जी। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे एक पीस इब्राहिम का रख देते हैं और एक ही पीस शेर को दे देंगे, शेर ने तो बल्कि नहीं खाना, शेर को तो मैं नहीं दे रही, ये एक पीस दे दे मेरे पसंद है, हाँ ये पीस हमें ले लो, तो ये चार पीस रह गए, अभी हम खाएंगे जो रात को एक एक हम सारे पीस ले लेंगे, और अभी ये मेरी आपकी बहन का वेट, मेरा वेट नहीं किया था, मामा ने मांस पा लिया, ज्यादा भूख लग गई थी, टाइस में बैला अटम सिर तला के बैठ जाने का कोना को खाने पता ना, तो मामा बोल सके मेरा दिमाग इतना खराब हो रहा, नमाज पढ़ते कि तुमने जरा मेरा वेट नहीं किया, मामा रुक जाओ हम सारे मिल के बैठ के खाएंगे, ये कोई तरीका है गाइस, आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है, फोन करूंगी कमेंट्स में बताना है कि आप लोग कौन सा पिज्जा कहते हैं, हमारे घर चीजें का भी बहुत ज्यादा चलता होता था, चीजें तो अब किसी को पसंद ही नहीं रहा इतना, अब शेर बुआ करने लगी है, तो माना वेट कर लेगा, शेर को चीजें पसंद होता था ना हैं, या आप चीजें आप क्यों नहीं खाते, कोई वो वजह होते हैं नहीं, अभी भी खाओ खुद दिया मैंने नहीं खाना हैं, चीजें तुम बने इब्राहिम आपको चीजें पसंद है इतना, नहीं मुझे चीजें नहीं पसंद, चीजें सर हेलो हेलो, मैं नमाज पढ़ सा जरा ना मेरा ध्यान दिता हुए कि मामा आ रही कम पिज्जा, मामा का सॉस शुरू कर एकदम अड़बुड़ बुड़ शुरू कर दी यार, वो भूख लग रही है, ये को भूख कह रही हूँ, चलो ना इब्राहिम और खाने, मैं ना गुस्से ना अभी अभी एक केचप निकाल दो, केचप अच्छा नहीं लग रहा मुझे, केचप ये देखो सारे कुछ खान बैग ना मेरा वेट ही नहीं, मैं गुस्से ना खा देंगे, हाँ मामा की पूछो कि मामा खाना नहीं खाना, हम व्लॉग बना रहे सारों से आप पूछते फिरे, हम व्लॉग बना रहे ना, हम लोग व्लॉग बना रहे, तो तुम व्लॉग बनाने में मामा को इग्नोर करना शुरू कर दोगे, अब भूख लगी हुई थी तो मामा नमाज पढ़ने लग गई थी ना, बोला था मैंने तो औलाद होनी है बेचारी जितनी की मां पे पान पड़ के जो जुआर करके 18 20 साल हो गए, आज तो जल्दी भूख लगी है मां तो पहले हमने इनका हमने तो पैर को भी खाना नहीं खाया था, हमें यही था कि हम लोग रात को पिज्जा लाएंगे, कल आपने कहा था कदुरी ना गला करी, मन किसी गल का जवाब नहीं दे रहे, तुम पिज्जा कहाँ से लाई हो, पेप्सी क्यों नहीं मिली, फजूल पापा देखे जब एक चीज पे लिखा हुआ फ्रेस्को का पिज्जा, बार बार बात बताते रहे कहाँ से लाए क्यों लाए कब लाए, हाँ भाई भूख लगी हुई है ना, भूख टाइम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता आपको पता है, अब मैं खा भूख और
नहीं रखते अब आप लोग, ज्यादा ओल्ड हो गए हैं। अभी पैसे वाले रखते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं, हमने एटीएम कार्ड यूज किया, हमने किसी से पैसे नहीं मांगे। एटीएम कार्ड यूज किया है? नहीं पापा, आई एम सो सॉरी, मेरा हस्बैंड ने दिया एटीएम कार्ड। मुझे सॉरी ना करो, मामा को हाँ। नहीं, हमारी जब गलती नहीं है भी सॉरी कार्ड दे रहे, हमारी को गलती है, हम तो व्लॉग बना रहे हैं अपना भाई, हमें डांट बस मामा। हाँ हमें तो है ना भूख लगी, बंदा क्या करे। अब आप हमें जलील खा रहे हैं, अपनी बीवी की तारीफें खा रहे हैं। मैं यूरोप में रहकर पिज़्ज़ा नहीं खाता हूं। वो बात करें, अभी मैंने यहाँ पे व्लॉग में सादी रोटी खाते हैं हम। व्लॉग में आपके साथ वो इतने बड़े बड़े पिज़्ज़ा लगा दिए ना, फिर आप मुझे कहेंगे डिलीट करो। नहीं भाई, हमने कोई इग्नोर नहीं किया भाई, देखे जो बात ही नहीं है करने वाली है, बंदा फिर करता रहे। मैंने ना वेट क्यों नहीं किया, जब मैं नमाज पढ़ने का काम था, कभी हम डब्बा खोले ही ना पिज्जे का, ना क्यों खोलिया मैं, तो गुस्सा आ गया। ये देखो, ये अमन को देखो जरा, अमन तो फाड़ गया। हाँ, भूख लगी हो ना तो दाल को भी इंसान मुर्गी समझ के खाते। सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम कर, पहला भी सी, और फिर भी खाई जा रही, खाई सा होशी नहीं, मैं खाने में लगी हुई। चलो छोड़ो, दो दफा को ये दो आते का पीला लेके आना, मैं 10,000 रुपए भेजूंगा, जाकर अपनी शॉपिंग करके। सुना रे भैया, ओ साथ जी ज्यादा हाइपर नहीं होइए, हम इग्नोरिंग चैलेंज कर रहे हैं। 10,000 रुपए दे दिए, ये क्या रविया, मेरा 10,000 पक्का हो गया, तुम छोड़ो ये, तो हम इग्नोरिंग चैलेंज कर रहे हैं जी। 20-25,000 कल मेरे साथ चैलेंज हुआ, तो मैंने 3,000 रुपए का आज पिज्जा क्या मंगा लिया, तो मेरी डांट ही नहीं होता, मेरी बीवी को 10,000 से आती। वो तो मेरी बीवी है ना, इसलिए तो हम आपके बच्चे हैं ज्यादा, वो कहते हैं औलाद ज्यादा। नहीं अब अगर बीवी आती है, बीवी आती है तो बच्चे आते हैं, इट्स अ जेन्युइन बात। अगर बच्चे ना आते फिर आज जो बच्चे मजाक में इग्नोर कर रहे ना, वो कलम है उठा के भाई। नहीं पापा, आपकी औलाद, आपने कभी अपने मम्मा पापा के साथ ऐसे किया है? नहीं ना, तो आपकी औलाद नहीं करी नहीं जी, इतनी हम बदतमीज औलाद नहीं। अब नहीं मोम देखे, हमने आपको सिर्फ एक मामा को मनाओ, वो जो मेहरबानी करके ना मैं वैसे भेजूंगा, तो मामा जाके शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप हमें भी भेज दें, हम भी औलाद हैं आपकी। नहीं आपको भेज दी, आपने खा लिया ना, 5,000 रुपए भेजा था पिज्जे के लिए। यार ये क्या बदतमीजी है, जाती है तो करके खाती हूँ। मामा को देना, मामा तुम्हारी ले। वैसे गाइस, मैंने ना बहुत गलत टाइम पे चैलेंज किया, सुकून से पिज्जा खा के करना चाहिए था, तो मैं जलील होती रही हूँ जितने मैंने बाइट लिए। एक एक बाइट पापा ने गिने, अभी भी बेशरमक सा खा रही है। खैर कोई बात नहीं गाइज, तो इसी खुशी में 10,000 पापा दे रहे, 5,000 रुपए मैं आपको देती हूँ, जाए 15,000 की शॉपिंग करके। बात पैसों की नहीं है ना, 10 की ना, फिर नहीं चाहिए 15, फिर मुझे दे दे, मुझे पैसों की, फिर पापा मामा नहीं ले रही, मुझे दे दे। ब्रेम क्या कर रहे हो? बस गाइज, अब कल आपकी बहन शॉपिंग करने जाएगी, पिछली ईद में मेरे पैसे वापस करे, जल्दी करे। हाँ, पिछली एक गिफ्ट मैंने मामा को दिया था, उनके मियाँ मुझे पैसे नहीं दे रहे। गाइस आवाज उठे मेरे साथ, मेरे मेरा 10,000 रुपया ये हस्बैंड नहीं दे रहे, नहीं अपने हस्बैंड से कहा उधार वापस करो मेरी बेटी का। मामा उदास हो गया, आई एम सॉरी मामा। आए आपका ये, मैंने पिज्जा आपके लिए रखा हुआ था। चल बेगम, आज पिज्जा खा लो, साथ ही वो नहीं हो ज्यादा, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छी औलाद है तुम्हारी, बात ना मजा ना स्वाद अल्लाह को हिदायत नहीं दे। कल जो आपने मेरे साथ किया, मुझे भी कितना इन्होंने मुझे रुलाया, मैंने तो मामा को फिर नहीं रुलाया। आपको बहुत जल्दी थी, मैं क्या कहूँ, क्या कह रही थी, एक मिनट मेरा हाथ लग गया था यार, आने लगा था जान के काटी। नहीं मैं वो चले गए तब मैंने काट दिया था ना, आज का व्लॉग यहीं एंड करेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट करना। जैसे कल के व्लॉग में हमने सपोर्ट किया, सारे व्लॉग में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करा। कल वाला व्लॉग हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, एक दिन में उसके अंदर मुरिशा के 700+ व्यूज आए, और वो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और आगे भी ऐसे ही करनी चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।